शास्त्रार्थ करने के पहले, जैसे कोई काम आदमी करता है तो उसको करने के पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और ये सोचना बहुत आसान नहीं है कि स्वामी दयानंद कैसे इस परिणाम पर पहुंचे, क्योंकि परंपराएं टूट गई थी। आपने पढ़ा है और मैंने भी कई बार सुनाया है कि जो परंपरा थी ऋषि मुनियों की, वो सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत के काल तक अविच्छिन्न रही, और इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। ब्रह्मा वो व्यक्ति है, वो ऋषि है जो बिल्कुल अमैथुनी सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि का मतलब होता है कि सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में, वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ में वे ऋषि और वे ऋषिकाएं जो बिना किसी माता पिता के उत्पन्न हुए, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये सृष्टि बनी है तो शुरुआत का जो व्यक्ति होगा वो तो बिना माता पिता के उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि उसकी भी माता पिता हम माने तो फिर सवाल होगा उसका फिर माता पिता, फिर उसका माता पिता, तो कहीं तो रुकना होगा, तो वहीं जाकर रुक जाता है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो प्रभु कृपा से युवा अवस्था में मंत्र भी आता है युवा सुवासा परिवीत आगा, कि प्रारंभिक व्यक्ति जो हुआ वो युवा अवस्था में हुआ, युवती अवस्था में हुई, न बच्चे हुए न बूढ़े हुए, और उन युवा स्त्री पुरुषों के बीच में निश्चित ही उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन एक दो भी नहीं रही होगी। जो लोग ये मानते हैं कि शुरू में एक आदम हुआ और एक हव्वा हुई, ये गलत थ्योरी है, क्योंकि एक आदम और एक हव्वा के होने पर जो सारी सेमेटिक रिलीजन्स की थ्योरी है, ईसाई यहूदी इस्लाम और पारसी, ये चार मजहब ये मानते हैं कि खुदा ने शुरू में एक आदम बनाया और एक हव्वा बनाई। आदम का मतलब पुरुष और हव्वा का मतलब स्त्री, और उसी से सारे संतानें चल गई। ये गलत है, क्योंकि आदम और हव्वा यदि एक एक ही हुए तो उनकी जो संतानें होंगी वो आपस में भाई बहन हो जाएंगी, और सृष्टि के आदि में जब भाई बहन का विवाह जायज हो जाएगा तो आज आप कैसे भाई बहन के विवाह को नाजायज कह सकते हैं। डॉक्टर चिकित्सक भी ये मानते हैं कि निकटस्थ रक्त संबंध में विवाह नहीं होना चाहिए, और ये थ्योरी ये सिद्धांत चिकित्सा का तो है ही, चिकित्सा वाले तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने तो बाद में ये बात कही, हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले कही है कि माता की छह पीढ़ी में और पिता के गोत्र में भी विवाह नहीं होना चाहिए, चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी भाई बहनों का विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये जो छोड़िए वो अलग विषय हो जाएगा, तो वो उन प्रारंभिक ऋषियों और ऋषिकाओं के बीच में चार ऋषि हुए जो सबसे पवित्र अंतःकरण वाले थे, उन प्रारंभिक लोगों में उन चार ऋषियों को परमपिता परमात्मा ने क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया, और उस समय अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए व्यक्तियों में इन चारों से जिसने सबसे पहले पढ़ा, भाई उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, याद रखिए वो पढ़ाने के लिए उस समय कोई स्कूल नहीं था, न उसकी कोई जरूरत थी, न कोई ब्लैक बोर्ड था, न कोई कॉपी थी, न पेंसिल थी, न कागज था, कुछ नहीं, बस उनको परमात्मा को सिर्फ हृदय में ज्ञान मिला, और जैसे हम बोल रहे हैं और मेरी बात को आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं, कोई कागज पेंसिल कलम नहीं है, हमारी बात आप तक पहुंच रही है, जो हम बोलना चाहते हैं जो हम कहना चाहते हैं हम जान रहे हैं। ऐसे ही वो चार ऋषियों जो सबसे पवित्र थे जिनको मिला, उन्हीं का नाम है अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये चार ऋषि जिनको क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद प्राप्त हुए, और इन चार ऋषियों से उसी काल के व्यक्तियों में जो सबसे पहले सबसे बड़ा विद्वान हुआ उन चारों ऋषियों से पढ़ करके, उसी का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है वही व्यक्ति, लोगों ने समझ रखा है ब्रह्मा वो है जिसके चार मुंह होते हैं, ये चार मुंह इसलिए बनाए गए चतुर्वेदविद ब्रह्मा भवति, ये चारों वेदों का विद्वान हुआ चारों ऋषियों से पढ़कर, इसलिए उसको चार वेदों का विद्वान कहा गया, चार मुंह चतुर्मुख कहा गया, ये नहीं कि चार मुंह, और पुराणों ने तो बड़ा गड़बड़ झाला लिख दिया,
विद्या चार मुंह था, लेकिन वो शंकर पार्वती का विवाह कराने लगे ब्रह्मा जी, तो उनके मन में पाप हो गया पार्वती को देखकर। तो शंकर जो दुल्हा बने थे उन्होंने उनका एक गर्दन काट दिया, तो चार मुंह से तीन मुंह वाले रह गए। ये पुराणों में गपोरा लिखा है, इसीलिए ऋषि ध्यान ने पुराणों का खंडन किया। लेकिन ये बात मैं इसलिए भूमिका के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रह्मा से लेकर जो परंपरा थी ऋषियों की, वो व्यास तक आई, महाभारत के समय तक, और व्यास के शिष्य जैनी तक आई। उसके बाद महाभारत के भयंकर युद्ध में जहाँ लाखों लोग मारे गए, राजा महाराजा मारे गए, उसके साथ ही ऋषि मुनियों का भी समापन हो गया। और क्यों हो गया, स्वामी जी ने एक बात और पूरा प्रवचन में कही है कि महाभारत के बाद पतन हुआ ऐसा नहीं है, महाभारत हुआ ही इसी कारण कि लोग पतित हो। समाज का बहुसंख्यक वर्ग वेद शास्त्र थे, ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा भी थे, लेकिन अधिसंख्यक जनता वेद मार्ग के विरुद्ध हो गई। अब बताइए जुआ खेलने लगे, वेदों में स्पष्ट मना है जुआ मत खेल, अक्षय मा दिव्य कृतिमित कृषस्व। लेकिन धर्मराज कहे जाने वाले निश्चित जैसे व्यक्ति भी जुआ खेलने लगे। जो साफ साफ कहा गया शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन यादवों का पूरा यदुवंशियों का विनाश हुआ आपस में शराब पी कर ही विनाश हो। वेद में कहा माँ गृह कष्टम, धन दूसरे की धन पर लालच मत कर। कौरव और पांडव दो भाइयों के पुत्र थे, इसलिए पांडु पुत्र पांडवों का और धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों का राज्य में आधा आधा हक संभावित था। लेकिन दुर्योधन एक सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देना चाहता था। मेरे कहने का मतलब तमाम ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसके कारण महाभारत हुआ, और महाभारत में राजा महाराजाओं की समाप्ति के बाद ऋषि मुनियों की समाप्ति हो गई। तो उसके बाद समझिए महाभारत के बाद भी 200-250 वर्षों तक थोड़ा बहुत ठीक रहा, ठीक मतलब कुछ बचा रहा, क्योंकि लिखा है महाभारत में कि महाभारत के बाद परीक्षित राजा हुआ, क्योंकि पांचों पांडवों के पांचों बेटे मारे जा चुके थे और वो भी मारा जा चुका था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षित पैदा हुआ वो परीक्षित राजा बना। अब परीक्षित के बाद परीक्षित का बेटा जन्मेजय राजा बना, और जन्मेजय के बाद शतानिक राजा बना, और शतानिक के बाद अश्वमेध दत्त राजा बना, अश्वमेध दत्त के बाद उसका लड़का असीम कृष्ण राजा बना। यहाँ तक किसी न किसी प्रकार कुछ कुछ परंपरा कुछ छीड़ बहुत छीड़ होती चली गई, क्योंकि असीम कृष्ण के राज्य में भी दो चार ऋषि बच गए। और ऋषियों ने पंजाब के पास एक नदी बहती थी विश्ववती नदी, उस नदी के तट पर उन्होंने यज्ञ किया और वहाँ वो उपस्थित थे। उसके बाद ऋषियों की परंपरा पूरी लुप्त हो जाती। ये घटना आज से लगभग 5000 साल पहले थी। अब आप सोचिए 5000 साल पहले से लेकर के स्वामी दयानंद के आगमन 200 वर्ष तक, आज से 200 वर्ष पहले, आज 2021 चल रहा है, 4 साल बाद स्वामी दयानंद को पैदा हुए जन्म लिए हुए 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये 200 वर्ष पहले ऋषि दयानंद के प्रादुर्भाव से लेकर के और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय सुमेधत्त अस्तिम कृष्ण के बाद इतना लंबा काल, जो 4500-5000 वर्ष का काल है, ये बिल्कुल ऋषि परंपरा से रहित काल। अंधकार भयंकर फैला हुआ हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, समाज नीति में। चक्रवर्ती राज्य समाप्त हो गए, छोटे छोटे राजा हो गए, आपस में लड़ते थे, पंडितों की बनाई, धूर्तों की बनाई, पंडित का मतलब धूर्त नहीं होता, लेकिन उसमें जो होशियार हो गए वो लगे लोगों को लूटने, जो छोटे छोटे राजा हुए जनता को पीड़ा देने लगे, जो छोटे छोटे पंडित हुए जनता को पाखंड बढ़ाकर लोग अंधविश्वास फैलाते गए, पाखंड बढ़ाते गए, और इसी के बाद भारत का पतन होना शुरू हुआ। शकों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ, सिकेनों का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, खरस्तों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, तमाम आते गए, मंगोल आते गए, तातार आते गए, और भारत वर्ष खंड खंड हो गया, गुलाम बन गया। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि भारत की इतिहास बहुत पुराना, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ की सभ्यता बहुत अच्छी है, लेकिन इतने लंबे समय तक गुलामी भी भारत ने ही देखी। इतना लंबा समय तक गुलाम होता है, इतना 700 साल तक मुगलों का, 200 साल ईसाइयों का, अंग्रेजों का, और तमाम आक्रमण होते ही रहे। तो इतने अंधकार के काल में वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना आसान बात नहीं है, समझते बहुत आसान है क्या,
ऋषि ध्यान कैसे इस निर्णय पर पहुंची, इसलिए मैंने ये कथा मेरे विचार में 3-4 महीना पहले ही मन में आया कि जैसे लोग रामायण में राम की कथा कहते हैं, गाँव में शहरों में कृष्ण की कथा कहते हैं, मेरे मन में आया किसी प्रकार में स्वामी दयानंद के जीवन की कथा कहूँ या उनके गुरु गिरजानंद की कथा कहूँ। तो कथा तो बात की होगी, थोड़े से नमूने के रूप में मैंने चर्चा कल की थी और आज भी थोड़ा सा समय तो तबीयत ठीक नहीं है आपके बीच रखती हूँ। स्वामी दयानंद गिरजानंद के चरणों में पहुँचे, आप कथा सुनने का मूड बनाइए और ये बनाइए थोड़ी देर सुन पाएंगे कि गिरजानंद कौन थे। ये भी अपने आप में बहुत सोचने का विषय है कि जिस ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों से पढ़ा, ऋषियों लोगों से योगाभ्यास सीखा, कितना कितना जगह गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में गुरु का दर्जा किसे दिया? गिरजानंद जी को। तो कोई तो ऐसी बात रही होगी जो गिरजानंद उनके गुरु बन सकते। तो पहली बात तो यही है कि वो व्यक्ति अकेला उस समय दीपक एक जल रहा था। ऋषि मुनियों के अभाव के काल में भी 115 वर्ष का बूढ़ा स्वामी पूर्णानंद जो तो अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, लेकिन उनका शिष्य 81 वर्ष का गिरजानंद एक दीपक जल रहा था, एक तेल में जैसे एक डिबरी जलती है वो जल रहा था मथुरा के अंदर। वो बाल ब्रह्मचारी थे, दोनों आंखों के सूर थे, प्रज्ञा चक्षु थे। कैसे दीपक जला उनके अंदर, कैसे उनके अंदर ऋषित्व की भावना आई, उसका इतिहास भी बड़ा विलक्षण। पढ़ने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत रोमांच हो जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में रत्न निकले और विष भी निकला। तो ऐसे ही दयानंद के जीवन में जो रत्न निकला समुद्र मंथन से, उनके जीवन में जो अमृत मिला वो कैसे मिला? गिरजानंद के बचपन का नाम ब्रिजलाल था, वो करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, दाल में गोत्र था। उनके पिता और उनके माता, पिता तो 9 वर्ष की उम्र में ही चल बसे, माता 11 वर्ष की उम्र में चल बसी। 6 वर्ष की उम्र में ब्रिजलाल अंधे हो गए, चेचक निकला, दोनों आंखों से सूर हो गए। एक भाई और भाई बड़ा भाई था, उसकी पत्नी भावस थी और वो सामान्य व्यक्ति के भाई भावस। उन्होंने सोचा ये अंधा छोटा भाई मेरा देवर, या बड़ा भाई ने सोचा मेरा छोटा भाई जिंदगी भर के लिए मेरे पल्ले पड़ गया, माँ बाप तो चले गए, जिंदगी भर इसे पालना पोसना पड़ेगा। तो भाई तो दुखी रहने ही लगा इस जिम्मेदारी को सोचकर, लेकिन भावस तो उससे 20 थी, उसने कटुक्ति बोलना शुरू किया कड़वा। तो 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता चल बसे थे, मुश्किल से 1-1.5 महीना उन्होंने अपने भाई भावस की कटुक्तियाँ सुनी और 12वें साल प्रारंभ होते हुए बिना किसी के बताए घर से चल पड़े। क्योंकि जो गिरजानंद की जीवनी का अनुसंधान हुआ है, पता चलता है उनके जीवनी को पढ़ने के कि सूर जरूर थे दोनों आंखों के, लेकिन बड़े उग्र स्वभाव, स्वभाव उनका उग्र था, बहुत तेजस्वी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे। वो भाई भावस की कटुक्ति क्यों सुनते, उनके जीवन पर अपने जीवन के क्यों अवलंबित करते? चल पड़े, जिस गांव में शाम हो गई वहीं रुक जाते। एक बात और उनके जीवन में लिखा, किसी से मांगा ही नहीं जीवन में, कर खाने के लिए मांगा ही नहीं, किसी ने अंदाज सोचकर कुछ सोचकर भोजन दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहे, कई कई दिन भूखे रह जाए। और उनके पिता ने 11 साल की उम्र में ही उनको सारस्वत पढ़ा दिया था, व्याकरण का, हितोपदेश पढ़ा दिया था, पंचतंत्र पढ़ा दिया था, थोड़ी सी लघु कौमुदी भी पढ़ा दी थी। 11 साल की उम्र में इतनी तीक्ष्ण मेधा थी गिरजानंद की, उस संस्कृत ही बोलते थे उस जमाने में, संस्कृत 11 साल का बालक 12वां साल शुरू होते ही चल पड़ा। ये सुनकर जानकर कि हरिद्वार बहुत बड़ा स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहीं चलो करतारपुर पंजाब से। आज का हरिद्वार वो हरिद्वार नहीं था, वो हरिद्वार भी नहीं, ऋषिकेश पहुंचे 2.5 साल के अंदर। वो ऋषिकेश केवल जंगल था, केवल वन था, उपत्यकाएं थी, झोपड़ियां थी थोड़ी थोड़ी साधुओं की, योगियों की। और वहां पहुंचे रास्ते भर में वो 2.5 साल में कुछ पढ़ते गए, रास्ते में कुछ पंडित किसी गाँव मिला, उससे 2-4 दिन रह के कुछ पढ़ लिया, कुछ अपना जो पढ़े थे उसको पढ़ा दिया। उनके जीवन की एक और विशेषता है, 12 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, जैसे विद्या का विनिमय करते चले गए। और वहाँ पहुँचे और उस समय चूंकि पौराणिक विचारधारा थी, उनके पिता भी तो पौराणिक, उन्होंने सुन रखा था कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण बालक थे, तपस्या करने का तरीका उनको ये मालूम था कि गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अब उनके जीवन में आता है ऋषिकेश पहुँचे और फूस की कहीं किसी प्रकार मांग के छोटी सी झोपड़ी बना ली, झोपड़ी टाइप की,
और उसमें अपने आप को दे दिया कंद मूल फल, तो खा लिया, नहीं तो भूखे रह गए। लेकिन एक काम उन्होंने बड़ा भारी किया जो उनके जीवन को बिल्कुल निर्मल हीरा बना दिया, वो काम ये किए कि वो 13.5 साल 14 साल का व्यक्ति, 2.5 साल तो लग गया तो आने में, 14 साल की उम्र में बिना नागा एक दिन भी बिना व्यवधान किए प्रतिदिन गंगा में जाकर इस गर्दन भर पानी में खड़े होकर के 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करते थे। उसमें चाहे 3 घंटा लग जाए, चाहे 4 घंटा लग जाए, चाहे 5 घंटा। अब अभी तो मामूली तपस्या समझते हैं, और वो उसमें बिना नागा किए सारे इलाके में हल्ला मच गया कि अजब नौजवान तपस्वी आया हुआ है, और वो चेहरा दमकता हुआ है, दुबले पतला शरीर है, लेकिन वो खड़ा होकर 3-3 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा कंटिन्यू आकंठ होकर के गायत्री का निरंतर जप करता। 3 साल पूरा होने के बाद अचानक रात्रि में उनको एक स्वप्न आया। वो स्वप्न आया कि ये ब्रजलाल, जो तुम जिस लिए तपस्या कर रहे हो वो काम पूरा हो गया, अब तुम्हें जो मिलना मिल चुका, अब तुम यहाँ से जाओ। तुरंत उनका नींद खुली, उन्होंने देखा, करें बगल तो कोई नहीं है, ये कहाँ से आवाज आई। पंडित को समझते देर नहीं लगी उस 15 साल के बालक को कि यह जो आवाज आई है अंतरात्मा की आवाज है, ये प्रभु की ओर से प्रेरणा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में आते ही कनखल में टुके और वहां पूर्णानंद, वही स्वामी पूर्णानंद मिले और पता लगा ये सन्यासी हैं, उनसे बड़े थे उम्र में, उनसे उन्होंने संन्यास ले लिया। 16-17 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, ब्रजलाल से ब्रजारम बने। उनसे पूरी सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, एक पंडित से मध्य कौमुदी पढ़ी, और उसके बाद उनके गुरु ने एक अद्भुत आज्ञा दी, कहा कि मैंने जितना पढ़ना था पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब तुम एक काम करो, भारत भ्रमण पर निकल जाओ, ये गंगा किनारे किनारे चलते चले जाओ, वहां तक चले जाओ जहां तक गंगा जी जाती है, और जाओ फिर वहां से लौटो। रास्ते में जाते जाओ, जो पंडित मिले, विद्वान मिले, सन्यासी मिले, उसे पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ, विद्या सीखते जाओ, सिखाते जाओ, और तपस्वी पूर्वक जीवन व्यतीत करते चलो। विरजानंद ने तथास्तु कहा और अपने गुरु को दिए हुए वचन को लेकर वहां से चल पड़े। अब आप सोचिए कि हम बहुत भाषण को संक्षिप्त कर रहे हैं। चलते 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 शोरों में रुके, कहाँ कहाँ रुके, इसी काशी में आकर 10 वर्ष रुक गए, आकर काशी में 10 वर्ष, और उस समय उसी 10 वर्ष के अंदर यहाँ के 2-3 पंडित जो थे उनसे उन्होंने पढ़ लिया, और जितने पंडित थे उन सभी पंडितों के बीच में 30 वर्ष की उम्र में विरजानंद 10वें नंबर के पंडित थे। 10वें नंबर का मतलब कि सारे काशी के पंडितों में 10वां स्थान उनका हो, और उनको पालकी पर, उसमें घोड़ा गाड़ी था नहीं, वो था ये भी नहीं था, ये जो रिक्शा उक्शा कुछ नहीं था, जो सम्मान में कहीं लोग ले जाते थे तो पालकी पर, स्वामी दयानंद से साक्षात करने जो पंडित आए थे ना, पाल शास्त्री, विशुद्धानंद, ताराचरण, अंबिका दत्त, 27 पंडित आए थे, तो राजा काशी ने उसको पालकी की व्यवस्था की, सब पालकी पर बैठ करके आए, तो उनको भी पालकी पर बैठा के ले जाया जाता था शास्त्रार्थ करने। शास्त्रार्थ मतलब ये मूर्ति पूजा पर नहीं, व्याकरण पर शास्त्रार्थ, जैसे यहाँ के पंडित करते हैं, न्याय पर शास्त्रार्थ, वैशेषिक पर शास्त्रार्थ, वेदांत पर शास्त्रार्थ। और 10 साल तक पढ़ने पढ़ाने के बाद फिर आगे निकले, निकलते निकलते चले गए गंगा तक, घूमते घूमते पटना गए, पटना में 2.5 साल वहाँ भी रुक गए, वहाँ जितने पंडित मेरे उनसे पढ़ते थे, फिर गया आ गए, पता नहीं क्या लोगों ने कहा कि गया में कुछ लोग हैं जो विशेष विद्वान हैं, तो वहाँ चले गए, वहाँ पढ़ा, फिर पटना, फिर गंगा किनारे कलकत्ता, उस समय भारत की राजधानी थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने उसमें केवल राजधानी नहीं थी, वो कोलकाता पंडितों की भी नगरी थी, वहाँ वो कई साल रह गए, और वहाँ जो उन्होंने पढ़ा वो अद्भुत पढ़ा, सारा साहित्य का ग्रंथ पढ़ा, रघुवंश कुवलयानंद, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर, सारा शेखर, मनोरमा, कौमुदी, सारस्वत पढ़ा, संगीत शास्त्र पढ़ा, वाद्य पढ़ा, वीणा बजाना सीख लिया। देखिए विरजानंद के पांडित्य को मैं नमूना बता रहा हूँ, वीणा बजाना शुरू होते हुए वीणा बजाना उन्होंने सीखा, तबला बजाना सीखा, यही नहीं उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, सारा आयुर्वेद पढ़ डाला, सारे शास्त्र जो मिले पढ़ डाले, और अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी शतरंज भी सीख लीजिए, शतरंज बहुत बौद्धिक खेल होता है, तो शतरंज सीख के हम क्या करेंगे, सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी शतरंज भी सीख लिया, और बाद में कहा बहुत दिन हो गया, चलो मैं लौट चलो गंगा पुनः लौटो यहाँ से। तब फिर मन में आया, किसी विद्यार्थी से कहा जाओ यहाँ के प्रेस में जो किताबें छपती हैं सूची पत्र ले आओ,
विद्यार्थी गया सूची पत्र ले आया का पढ़ो किताबों के नाम, सैकड़ों पुस्तकों का नाम पढ़ता गया और कहते गए ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चलो अब जो 4-5-10 किताबें नहीं पढ़ी हैं उसे ग्रुप को पढ़ने जरूरत नहीं है, इसे खरीद लिया और लेके चल रास्ते। और यहाँ से गए थे तो एक बात और हुई थी घटना, गया के पास जा रहे थे, रात्रि का समय था और वो लोग भारवाहक भी थे उनके साथ, नौकर भी भृत्य भी जो उनकी किताबों को लेकर चल रहे थे, क्योंकि रास्ते में राजा महाराजा कुछ लोग उनको पैसा दे देते थे, उनसे भारवाहक भी। तो रास्ते में डाकुओं ने हमला बोल दिया तो कहा संस्कृत में बोले कि क्या हमारे पास क्या आ गए तुम लोग, पुस्तकें हैं केवल, जोर से चिल्लाए। तो डाकू तो घबरा गए, लेकिन तब तक बगल में एक आध फरलांग पर कोई राजा था जो अपने पंडित के साथ और अपने सैनिकों के साथ विश्राम कर रहा था, वो भी यात्रा में था, वो दौड़ करके भेजा अपने सैनिकों, देखो कौन चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति आए तो संस्कृत में बोली। डाकू तो भाग गए, तब वो लोग राजा को कहा तो संस्कृत बोल रहे हैं, बड़े दुबले पतले सन्यासी टाइप के आदमी है, उनको डाकू आए थे वो तो हमको गए तो भाग गए। तो राजा ने अपने पंडित को भेजा, राजा लोग पंडित भी रहते थे साथ, उनसे संस्कृत में वार्ता हुई। फिर पर क्या बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हैं, हम घटनाओं को बताने लगे, बड़ा रोचक घटना है बजान के जीवन में। फिर वो आते आते लौट करके फिर हरिद्वार आए, और हरिद्वार आने में और जाने में जानते कितना वर्ष लगा, 24 वर्ष लगा, कोई विद्या बची नहीं जो न पढ़ा। तपस्वी थे, योगी थे, हाँ योग साधना भी करते थे, योगी क्रिया भी करते थे, अध्यात्म विद्या भी सीखी थी, और जाकर के उन्होंने देखा कि अब हम मथुरा में बैठ जाए, मथुरा में जाकर आसन लगा के बैठ गए, लोगों को पढ़ाने लगे, वही ग्रंथ पढ़ा रहे थे जो पढ़े थे। उस समय तक आर्ष विद्या भी नहीं आई थी, अभी ये प्रतिभा नहीं आई थी ऋषि मुनियों का ग्रंथ पढ़ना, ऋषि मुनियों के ग्रंथ को मतलब विशेषता, वो जो मिला सब पढ़ते चले गए। घटना ये घटी कि वहाँ के एक बहुत बड़ा सेठ था, राधा कृष्ण नाम का व्यक्ति, वो वैष्णव मतानुयायी था, अपने गुरु को रंगाचार्य गुरु को, गुरु की प्रसन्नता में उस जमाने में जबकि अकाल पड़ा करते थे, गरीबी बहुत थी, अपने गुरु के लिए 3 लाख का मंदिर बनाकर भेंट कर दिया। गुरु ने कहा यह मंदिर छोटा है, देखिए उस समय कितना पाखंड। उस जमाने में उस व्यक्ति ने 45 लाख खर्च करके दूसरा मंदिर बनाया, 7 साल वो मंदिर बना, और 7 साल तक इतना पैसा लगा के देश में भूखमरी थी, अकाल था, और दूसरा मंदिर अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेठ राधा कृष्ण वर्मा के गुरु को भेंट कर। और यहीं तक नहीं, उस गुरु का शिष्य जो था वृजानंद के शिष्य के साथ मथुरा में शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में वो हारने लगा तो कहा मैं कभी नहीं हार सकता क्योंकि मैं व्यवस्था ले फतवा ले आऊंगा मेरे पक्ष में। तो वहां के हारा हुआ पंडित गंगाचार्य का शिष्य जो ब्रजानंद के शिष्य से शिष्य शिष्यों में शास्त्रार्थ हुआ था, शास्त्रार्थ का विषय व्याकरण था जाति पर, वो यहाँ आया और उनके गुरु लोग पैसा भेजे, 3 लाख रुपया खर्च किया वहाँ के उस सेठ ने अपने गुरु के चेलों की विजय दिलाने के लिए। बनारस के 20 पंडितों ने सबने 300-300 रुपया लेकर के उल्टा निर्णय दिया, लिखा कि यही जीत गए, मुरमुरिया पंडित जो है यही जीत गए हैं। जब वो व्यवस्था लेके वहां पहुंचे, बिरजानंद को दिखाया गया कि काशी के पंडितों ने कह दिया है यही जीत गए, तो बिरजानंद को बड़ा दुख हुआ क्योंकि 10 साल वो काशी में रहे थे। उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखवाई, कहा कि आपने क्या सोचकर इनके पक्ष में फैसला दिया, आप वो शास्त्रीय तर्क दिखाइए, व्याकरण था विषय शास्त्रार्थ का जो आपने उनके पक्ष में फैसला दिया। तो यहाँ के पंडितों ने जवाब दिया कि पक्ष तो आपका ही सही है, लेकिन हमने अब चूंकि दस्तखत कर दिए हैं, आपके पक्ष में भी व्यवस्था दे सकते हैं और बाद वाली व्यवस्था ही सही मानी जाएगी, बशर्ते आप भी इतना खर्च करें, आप भी इतना खर्च करें, एक एक पंडित इतना इतना पैसा लेगा, उसके 2 पुत्र और 2 शिष्य साथ साथ दस्तखत करेंगे, उनसे ज्यादा दस्तखत करके आपको भेज दिया जाएगा। मिर्जानंद की आत्मा कर्मक्रंदन करने लगी, हाँ ये देश भारतवर्ष, यहाँ विद्या बेची जा रही है, जैसे वेश्या अपने को बेचती है, वेश्याओं से भी गया गुजरा चरित्र हो गया पंडितों का, शास्त्र का पक्ष सही होते हुए भी ये पैसे लेकर ये बेच रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पहले मैंने सुना था काशी विद्यापीठ के एक सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, उनका नाम चौहान साहब था, उन्होंने आकर यहाँ भाषण में कहा कि उस समय के आसपास की बात है, पंडितों ने व्यवस्था दी थी कि कोई आदमी अपने पत्नी को बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, तो काशी के न्यायालय में लोगों ने कहा धर्मशास्त्रीय व्यवस्था लेनी पड़ेगी,
तो पंडितों ने दिया कि हाँ पत्नी जो है पति का संपत्ति है, पति पत्नी को बेच सकता, को 20 या 22 रुपया में अपने पत्नी को बेच दिया और काशी के न्यायालय ने फैसला दिया इन पंडितों के धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर फैसला दिया। और वहां उस समय संयुक्त प्रांत जिसे आज कहा जाता है उसकी राजधानी आगरा में थी, उसके पंडित चिरंजीव लाल शास्त्री थे उस न्यायालय में, सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो था उस समय का अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी राज्य के हाईकोर्ट आगरा में था और आगरा में गवर्नमेंट के न्यायाधीश चीफ कोर्ट का चीफ माने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक मुल्ला रखता था। मौलवी मुसलमानों की कोई व्यवस्था आ जाए तो मौलवी से राय लेता था और हिंदुओं की कोई धर्मशास्त्रीय व्यवस्था आ जाए तो हिंदू पंडितों से राय लेता था। एक पंडित चिरंजीव लाल शास्त्री था, उस समय उसको 300 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, उसको भी राजा कृष्ण अग्रवाल ने खरीद लिया और उसको भी कितना पैसा देकर उसको भी व्यवस्था ले लिया था स्वामी बिरजानंद के शिष्यों के खिलाफ। स्वामी बिरजानंद के अंदर क्रांति मच गई कि क्या होगा इस देश का। एक तरफ भुखमरी, सबको पता लगता था कि बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है, अकाल पड़ रहा है और छोटे छोटे जो राजा हैं ये परेशान करते हैं लोगों को, छोटे छोटे जमींदार हैं जनता को परेशान करते हैं, ये अंग्रेजों के चाटुकार हैं, ये चापलूस हैं और इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अलग है, इतनी तमाम दुर्वस्था थी। वो रात दिन सोचते परेशान हो गए क्या करें। लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन में 2-3 दिन पढ़ाना बंद कर दिया चिंता के मारे और सोच रहे कि क्या किया जाए। और अंत में उनको देखा उन्होंने कि एक पंडित दक्षिणी था और वो अष्टाध्यायी पाठ कर रहा है। ऋषि बिरजानंद ने उसके पाठ को सुना, उनको इतना अच्छा लगा पाणिनि मुनि के उस अष्टाध्यायी के पाठ को, उसको बुलाया और कहा 3 दिन आकर तुम मेरे सामने सारे अष्टाध्यायी पढ़ो। वो 3 दिन आकर इनके सामने सारी अष्टाध्यायी पढ़ी, उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए जो भी दिया और उनको पूरी अष्टाध्यायी कर दी। बिरजानंद ने अद्भुत मेधाती, एक बार दो बार तीन बार फिर लिखा है उनके जीवनी लेखकों ने कि महाभाष्य काशी में उस समय महाभाष्य पढ़ाने वाले बहुत कम थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ काशी में पढ़ा था, लेकिन बाकी पूरा महाभाष्य उन्होंने हस्तलिखित पन्ने मंगा करके अपने शिष्यों से कहते थे। वो उस शास्त्रार्थ के बाद उनके अंदर क्रांति मची हुई है, वो अंदर अंदर उबल रहे हैं क्या करें, इसका क्या रास्ता है। तो उनको दो रास्ता मिला, एक अष्टाध्यायी मिली पाणिनि मुनि की और एक पतंजलि का महाभाष्य मिला। अष्टाध्यायी तो कंठ कर ली और पाणिनि के महाभाष्य और पतंजलि के महाभाष्य को कंठ करने के लिए लिखा है जीवनी में कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इसको जो है तुम 5-6-7 पृष्ठ रोज सुनाया करो। एक बार पढ़ाने के बाद शाम को 6-7 बजे के आसपास वो 6-7 पृष्ठ उनका शिष्य सुनाता था, बड़े सावधानी से उसको सुनते थे और रात में उसको विचार करते थे और प्रातः काल शिष्य आता था तो जितना कंठस्थ करते थे उसको सुना देते। और सोचो एक बार कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, संस्कृत का धुरंधर ग्रंथ है, 1-2 पेज नहीं 6-7 पृष्ठ पढ़ रहा है और उसको एक बार सुन करके आदमी कंठस्थ करने वाला व्यक्ति है, कितनी मेधा का व्यक्ति होगा। आप उस कल्पना, दयानंद का गुरु बनना आसान काम था क्या? दयानंद का जो गुरु बना इस धरती पर हो, बिरजानंद की तपस्या तो देखो क्या बात। और अंत में उनको एक रात्रि में उनके अंदर स्पुरा हुआ कि सारे अनर्थ की जड़ ऋषियों के विरोधी साहित्य देश में घूम रहे, सारा पुराण सारा उपुराण चक्रांकित वैष्णव शैव शाक कापालिक तांत्र मार्गी हटमार्गी बगल में बीज मार्गी दुनिया भर का लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अरे क्या कौन बेवकूफियों पर, सबसे ज्यादा तो हिंदू अल्पसंख्यक है क्योंकि एक एक मोहल्ले के हिंदुओं का एक पूजा पद्धति नहीं है, एक इनका मंदिर नहीं है, एक इनका देवता नहीं है, इनके इतने इतने मंदिरों में बटे हुए, इतनी जातियों में बटे हुए, इतने पूजा पद्धतियों में बटे हुए। मुसलमानों को 20-22 करोड़ का तो एक मस्जिद है, एक प्रकार का नमाज है, एक प्रकार का कलमा है, एक प्रकार का कुरान है, कहाँ अल्पसंख्यक है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। हिंदू तो बटा हुआ है, आज भी बटा हुआ है, क्योंकि ऋषियों का मार्ग छोड़ दिया है, वेदों का मार्ग छोड़ दिया है, खाली वेद कुछ मंत्र पढ़ देते हैं किसी कर्मकांड में, उस वेदों के मंत्र पर कभी विचार करते हैं क्या? कभी कोई विचार नहीं करता, यदि विचार करते तो वेद विरुद्ध इतनी मान्यताएं देश में चलती है। बिरजानंद की आत्मा ने क्रांति की, एक रात्रि उनको विचार हुआ कि केवल अष्टाध्यायी और महाभास यही दो ग्रंथ ऐसे है व्याकरण के जो आर्ष है ऋषिकृत है, अन्यत सर्वम धूर्त चेष्टतम और सब कुछ बाकी जो है धूर्तों का लिखा हुआ ग्रंथ है। जब विचार हो गया उस दिन से उन्होंने अपने घर में
अपनी कुटिया में अनार्स ग्रंथों का पढ़ना बंद कर, पढ़ना पढ़ाना बंद कर, कहा ऋषियों का ग्रंथ पढ़ाया जाएगा और उस